नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुयूसून पे और आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप लोग सुनिश्चित अपने घरों में सुरक्षित बैठे होंगे, अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का, अपने आसपास के लोगों का खास तौर पे ख्याल रख रहे होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे जो आज गेस्ट हैं हरिद्वार की नगरी से हैं उनका आपसे परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर राधिका नागरथ जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी आपका। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पूछने से पहले मैं अपनी जो कुछ बातें मैं आपके बारे में समझ पाऊँ वो कहूँगा कि आप मल्टीपल हैट्स डॉन करती हैं। आप एक योगा गुरु हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, आप एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं और आप बहुत तरह के बाकी समाज से जुड़े कार्य करती हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पे। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं हमेशा अपने अतिथियों से एक ये जो मौलिक सवाल है वो ये करता हूँ कि कृपया करें और हमारे दर्शकों को अपने शुरुआती दिनों के बारे में, अपनी शुरुआती दौर के बारे में, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपने अपनी जो जर्नी एजुकेशन की उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम बाकी जो हमारे सवाल के सिलसिले हैं हरिद्वार को लेके, महाकुंभ को लेके, कानून को लेके, जर्नलिज्म को लेके, उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। मेरा जन्म वैसे तो पंजाब में हुआ, जालंधर में, और सच पूछो तो हम लोग 2 बार रिफ्यूजी हुए हैं। पहली बार मेरे पापा शेखुपुरा पाकिस्तान से जब वो बहुत छोटे थे तब आए, जब ये पार्टीशन हुआ, और सेकेंड टाइम हम लोग 84 में जब मैं क्लास 8 में थी और ये खालिस्तान मूवमेंट ने बहुत जोर पकड़ा था पंजाब में। तो जैसे यहाँ पे उत्तराखंड साइड में सिखों को प्रॉब्लम आ रही थी, वैसे वहां प्रॉब्लम थी। वो ब्लू स्टार हम लोग देहरादून में सेटल हुए और देहरादून में सेटल होने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग था अपने फ्रेंड्स के थ्रू कि शायद यहाँ पे एजुकेशन स्कूल लेवल पे ज्यादा अच्छी नहीं है और कॉलेज लेवल पे भी, कहते हैं जिस चीज से आप ज्यादा भागो तो उसी में बाद में फंसना भी पड़ता है। मैंने कहा मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से नहीं करूंगी, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हॉस्टल में रहकर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। हालांकि बाद में मुझे अपनी पीएचडी के लिए फिर दोबारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ही एनरोल करना पड़ा। कुछ भगवान की ऐसी मर्जी होती है कि जिस चीज से भागते हैं वो एक बार जरूर जीवन में करना पड़ता है। तो एनीवे एकेडमिकली मैंने पहले तो बीएससी किया था, बट माय इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स आर्ट्स, और फाइनली मैंने पीएचडी स्वामी विवेकानंद की इंग्लिश पोइट्री में किया। ही हैज रिटन ओनली 25 पोएम्स फ्रॉम रिजली मेनर, अमेरिका में जब वो थे, तो उन्हीं को मैंने रिसर्च किया। उसके बाद में क्योंकि लिखने का शौक था तो I wrote for many years free of cost in spiritual columns, जो आध्यात्मिक कॉलम होते हैं, जैसे पायनियर का इनवर्ड आई कॉलम था, हिंदुस्तान टाइम्स में भी इनर वॉइस और टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री, तो इनमें लिखती थी। मेरा रुझान स्पिरिचुअलिटी में ही था, नॉट एग्जैक्टली रिलीजन बट स्पिरिचुअलिटी, जो एक इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है धर्म को फॉलो करते हुए। और slowly I found that if I have to earn money, I have to switch over to writing, which is acceptable to all. तो मैं धीरे धीरे journalism की तरफ incline हुई और पहले मैंने हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्ट किया। तब भी कुंभ था 2010 में, तो वो मैंने पूरा कवरेज किया। उस टाइम पे तो कुंभ पूरा फुल फ्लेश्ड 4 months का था, राइट फ्रॉम जनवरी 14 अप टू अप्रैल 30th, और बीच में जितने स्नान आए सब अखाड़ों से मिलना, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। तब मेरी मदर भी अलाइव थी और हम खूब साधुओं के पास जाते थे और सब तरह के प्रश्न पूछते थे। और उसके बाद में मैंने पायनियर भी ज्वाइन किया रिपोर्टिंग के लिए, और आजकल मैं सिर्फ फीचर्स लिखती हूँ संडे सप्लीमेंट टाइम्स प्लस के लिए। दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू। बहुत सुंदर वर्णन किया राधिका जी आपने अपनी लाइफ की जर्नी का। क्योंकि मैं कानून के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और आप जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरसेक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं, आप आध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान आपने बताया है, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट ये हमेशा एक रोल रहता है जर्नलिस्ट का कि सही खबर लोगों तक पहुँचाएँ। और आजकल तो कोर्ट कचहरियों के गलियारों में लीगल रिपोर्टिंग बहुत होती है। लोग नैनो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन रिले कर देते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, और खबरें जनता तक पहुंचने में काफ़ी सक्षम रहती हैं उस हिसाब से। एक छोटा सा सवाल आगे बढ़ने से पहले ये करूंगा कि आपने बताया कि 2 दफ़ा आपके परिवार को माइग्रेट करना पड़ा, एक बतौर पार्टीशन के टाइम पे, दूसरा 1984 में जब दंगे हुए। तो जी, जो आदमी जो एक आम, जैसे मैं कहूँगा कि आप एक सिविल सोसाइटी की मेम्बर हैं, आपने देखा तो आपकी, आपके लिए कानून और आपके लिए न्याय की क्या परिभाषा है, आपकी क्या समझ है उसको लेकर? देखिए, हर इंसान जस्टिस चाहता है, पर कई बार ऐसा देखने में आया कि वो जस्टिस इतना डिले हो जाता है कि इंसान उसका उम्मीद ही टूट जाती है। तो ऐसा ये दुर्भाग्य भी है हमारे भारत का कि जो जो कल्प्रिट्स रहे हैं उनको कई बार जस्टिस मिलने में इतना देरी हो गया कि इंसान उसको छोड़ बैठता है। तो फिर भी अभी हाल ही में ऐसा देखने में आया, जैसे निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो आया है ट्रेंड, उसने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है कि विक्टिम को पूरा जस्टिस मिलेगा। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, मैं कह सकती हूँ कि अब हम लड़कियां ऐसा फील करने लगी हैं कि हमको जस्टिस मिलेगा। इसी देश में अभी सुधार शुरू हुआ है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव नाउ कि अगर ये होने लगा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो रेपिस्ट हैं उनको हैंग किया जाएगा, अभी हमने हाल ही में ये निर्णय देखा था सुप्रीम कोर्ट का भी, तो आगे भी और भी मामलों में ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि मतलब सब पब्लिक की ये आशाएं हैं कि यस, अब ऐसा नहीं होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अब हमें जल्दी जस्टिस मिलेगा। एंड यू बीइंग अ लॉयर, आप ज्यादा जानते हैं कि मुझे लगता है कि अभी लॉ में भी रिफॉर्म्स आए हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और तेजी से हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें भी, अमेंडमेंट्स में। सो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, मुझे लगता है कि आगे भी होगा। कानून आपने बड़ा अच्छा बताया कि प्रगतिशील राह पे है और समाज का आईना होता है, और जिस तरीके से मैं बतौर वकील कोर्ट कचहरी जाता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, और जज साहब भी हैं, वो भी हमारे समाज के अभिन्न अंग में से एक हैं, और उन पे जो उत्तरदायित्व है जो उनके कार्यकाल में होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने सही बात कही कि जो जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव आ रहा है हमारे देश में, और पॉजिटिव बदलाव है, तो ये अच्छी चीज़ है। राधिका जी, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ और आपसे पूछूंगा कि आप एक योगा गुरु हैं, तो और आजकल के स्ट्रेस के ज़माने में, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत यंग लोग देखते हैं, यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, या जो मैं कहूँगा कि मानसिक तौर पे भी जो यंग अपने आप को मानते हैं, क्योंकि यूथ की कोई ऐसी मैं डेफिनेशन नहीं देना चाहूँगा कि क्योंकि आप फिजिकली यंग हैं तो आप यूथ हैं, पर ऐसे बहुत लोग हमसे जुड़े रहते हैं। जो जैसे संक्रमण का दूसरी वेव आ गई हमारे देश में, कोरोना वेव 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जगह जगह आप भी अखबारों में और सुर्खियों में खबर देख रही होंगी कि कई जगह वीकेंड लॉकडाउन हो गया है। यूपी में कल ये खबर आई और बाकी स्टेट्स में कि संडे लॉकडाउन किया जाएगा 1 महीने तक। आप उत्तराखंड में, हरिद्वार में बैठी हुई हैं, तो ये आप बताएं कि इतना जो ये जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसको लेके जो स्ट्रेस है खासकर युवाओं में, और मैं अभी बच्चों की बात करूंगा जो कॉलेजेस में, सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स नहीं आते उसमें, सभी स्ट्रीम के बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको बड़ा स्ट्रेस होता है। तो मेरे पास क्या होता है कि कई बार मैसेज आते हैं कि सर हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, या हम फाइनल ईयर में है, अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। अब आप ये भी जानती हैं बखूबी की जो परिवार होता है, जो माता पिता होते हैं, वो उनकी एजुकेशन पे बड़ा पैसा लगाते हैं आजकल, और इस दौर पे जिससे हम जूझ रहे हैं कोविड-19, अब तो 2021 में आ गए, तो साल 1-1.5 साल में ये हमने पढ़ा देखा कि लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं। अब चूंकि आप योगा गुरु हैं तो मैं समझता हूँ ये सवाल मेरा आपसे करना स्वाभाविक है कि ये जो स्ट्रेस है, एक तो इसको कैसे बच्चे जो है या यूथ है उसको कैसे हैंडल करें, और कोई और टिप्स और ट्रिक्स आप बताएं कि क्योंकि आपका अनुभव इतना रिच रहा है आपकी लाइफ जर्नी में, तो उसको स्ट्रेस के हैंडल करने के साथ साथ फ्यूचर को लेके क्यों ना परेशान हो, ये आप मुझे प्लीज बताएं। आपने बहुत ही अच्छा और अहम सवाल पूछा, और अक्सर मुझे लेक्चर्स में बच्चे लोग ये पूछते ही हैं कि स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए व्हेन वी आर लिविंग इन अ प्रेशर कुकर. सच में ऐसी स्थिति है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक जॉब के लिए लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और निकलने वाले हार्डली 1 और 2. तो ऐसे समय में जॉब्स हैं नहीं, हम करें क्या? और जब ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन आ जाती है तो बिजनेस वैसे ही बहुत डाउन है और इंडस्ट्री इकोनॉमी ही पूरी हिली हुई है. तो मेरा ये मानना है कि सिचुएशन तो है ही, पर उसको हम खुद से और क्यों बदतर बना रहे हैं. एक प्रॉब्लम है कि मेरे को अभी जॉब नहीं है, आई एम जॉबलेस, मुझे घर में ही बैठ के कुछ क्रिएटिव सोचना है और मनी अर्न करना है. तो व्हाई कांट आई थिंक ऑफ अल्टरनेटिव वेज? ऐसा नहीं है कि आपके लिए, जब भगवान ने आपको पैदा किया है तो जरूर आपके लिए भी कोई ना कोई राइट संसाधन, कोई ना कोई राइट एम निर्धारित किया ही होगा. तो और वैसे भी वो बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल दी जाती है कि बच्चे के आने से पहले उसका मां के स्तन में दूध तैयार हो जाता है. तो ये एक फेथ रखना कि नथिंग इज परमानेंट, आज बुरा है तो ये भी खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, और बहुत अच्छा है तो ये भी बदलेगा. हमेशा कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहनी है. तो ये लाइफ का जो प्रिंसिपल है, इसको तो हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना ही है और जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे. जैसे ये एक ट्राइड प्रिंसिपल है लाइफ का कि What you think, so you become. स्वामी विवेकानंद ने भी कहा सब कुछ आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट है. बाहर कंडीशन कुछ भी है, कितना भी तूफान चल रहा है, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, सेफ हूँ, आई एम हैप्पी, मेरा पास आज छत है जिसके नीचे मैं सेफ हूँ, मेरे पास खाने के लिए है, खाना 2 वक्त का. ज्यादा खाएंगे तो बदहजमी होगी, फिर वो और उतना एग्जर्ट करना पड़ेगा पतले होने के लिए. तो इतना जब है मेरे पास तो इस मोमेंट तो मैं खुश हो लूं. आगे के लिए सोचते सोचते अगर और टेंशन करूंगी तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट करूंगी, मुझे स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस बन जाएंगी. तो आज तो मैं खुली हवा, मुझे फ्री है, वो मैं ले रही हूँ, प्राणायाम मैं कर रही हूँ, तो उससे मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ये. और स्टार्ट काउंटिंग योर एसेट्स. अरे मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मेरे ब्रेन की सब नर्व्स ठीक है, सबको मैसेजेस सब मेरे बॉडी ऑर्गन्स में जा रहे हैं. व्हाट एल्स डू आई नीड? 1 मिनट के लिए अगर हम ये सोचे, कितनी भी टेंशन में खड़े हैं, अरे प्रभु को दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे और क्या चाहिए? मेरे पास 2 वक्त का खाना है. और एक बात किसी विनोबा भावे ने बहुत सुंदर से कही थी कि आवश्यकता की कभी आपको कमी नहीं होगी और जो डिजायर्स है उनकी कभी पूर्ति होगी नहीं. तो ये फिलॉसफी अगर हम समझे, जो हमारी नीड है वो हमेशा फुलफिल होनी ही होनी है बाय एनी मीन्स, और जो डिजायर्स है वो एंडलेस है, उसके लिए आप कितना भी भागते रहे वो खत्म होनी नहीं. तो क्यों ना मैं आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन हमेशा लाइफ में. अगर मेरे को ये लाइन ड्रॉ करने का प्रिंसिपल समझ में आ गया तो स्ट्रेस अपने आप ही मैनेज हो ही जाएगा. और और करते करते एक जगह तो एंड आना चाहिए कि हाँ भैया, इसके बाद मुझे पैसे के लिए नहीं भागना. नाउ माई प्रायोरिटीज शुड बी, मैं अपना फैमिली को देखूं, खुद को देखूं, लाइफ में वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. उससे ये छोटे मोटे जो स्ट्रेस है ये अपने आप दूर हो जाएंगे. और जयंत जी, एक बहुत अच्छा मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से ये समझा है और आई थिंक सबको ये हेल्प भी मिलेगी कि अगर हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं तो स्ट्रेस कभी होगा ही नहीं. अगर बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब मेरे को नेचर से ट्यून होके सुबह का टाइम जब पॉजिटिव एनर्जी भरपूर होती है पूरे यूनिवर्स में, मुझे उसको टैप करना है, सुबह उठना जरूरी है। आज हो सकता है मेरी मीटिंग रात को लेट तक हो गई, थोड़ा काम ज्यादा आ गया, फिर भी सुबह उठ के वो टाइम का वो मुझे एनकैश कर लेना है, थोड़ा योगा कर लेना है, प्राणायाम कर लेना, उसके बाद भले ही सो जाना, 2 घंटे और रिलैक्स कर लेना। आपका अगर पेट साफ करने का एक टाइम है जीवन में, तो आपको कभी फिजिकल स्ट्रेस नहीं होगा, और माइंड और बॉडी बहुत रिलेटेड है। तो अगर मैं हल्की हूँ, अपनी ऊर्जा से बैठी हूँ, तो बाहर से जितना भी स्ट्रेस आया है उसको मैं ले पाऊंगी, और मेरा माइंड भी ट्यून्ड है सुबह की कॉस्मिक एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, तो दिन भर का जो भी आ रहा है कचरा या अच्छा उसको ले लेगा, वो इतना परेशान नहीं करेगा। अगर सुबह पेट साफ नहीं हुआ है, यू हैव नॉट क्लीन्ड योर बाउल्स एट प्रॉपर टाइम, तो सारा दिन कॉन्स्टिपेटेड स्माइल और ऐसे अनईजी सा रहेगा, है ना। और उसको करने के लिए नेचुरल, जो नेचर ने हमें दिया है, सुबह उठ के पानी पीना ही पीना है, 3 to 4 ग्लासेस, है ना। ल्यूक वार्म हो तो बहुत अच्छा, उसमें थोड़ा सा शहद और नींबू डालेंगे तो एनर्जेटिक भी रहेगा, डिटॉक्सिफाई भी करेगा आपकी बॉडी को। तो योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये ड्रिंक जब ले लिया और उसके बाद में टाइम पे नहा के प्राणायाम किया, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 प्राणायाम जरूर करें। और ये मेरी सभी यूथ्स को एडवाइस है, जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत और भ्रामरी। और इसके अलावा कभी थोड़ा कानों में ब्लॉकेज है तो कर्ण रोगांतर कर लिया, थोड़ा सा हवाई तो निकालनी है। बॉडी में 2 ही फ्लो है, ब्लड का और प्राण का, तो इन दोनों को अगर हम रखेंगे तो कभी कोई क्लॉट नहीं बनेगा, कभी कहीं रुकावट नहीं होगी, फ्लो बनता रहेगा, तो माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी ऑर्गन्स ठीक से काम करते रहेंगे। सिंपल सी बात है, और इस तरह से स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने किया है वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, मैंने खुद किया है, अभी तक कर रही हूँ, तो आपको भी अगर ये मानेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा लाइफ में। आई कैन गो एट लेंथ ऑन दिस टॉपिक, काफी कह सकते हैं इसमें, पर जैसे समय की डिमांड होगी वैसे मैं इसको और इलैबोरेट कर दूंगी। राधिका जी, बड़ा खूबसूरती से आपने बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। एक मेरा फॉलोअप सवाल अब इससे निकल के ये आता है, मैं तो योगा नहीं कर रहा, मुझे करना चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि जो आपने इसके स्वास्थ्य के जो बताए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको लेके काफ़ी होता है, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हम हैंडल कर पाते हैं। एक वर्ष था मेरे जीवन में जब मैंने योगा बड़े परिश्रम से किया, वो तब था जब मैं खुद स्कूल से निकल के अपने लॉ स्कूल की तैयारी कर रहा था, और उस एक साल में मैं सुबह, मुझे याद है, 4:30 बजे उठ जाया करता था, और तकरीबन जो सुबह की ऊर्जा रहती है, पॉजिटिव एनर्जी जो आपने बात की, मैंने खुद महसूस की, और मुझे लगता है कि सुबह 5 या 6 बजे के बीच में जरूर योगा किया करता था उस टाइम। और अब जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, कपालभाति, भ्रामरी, ये सब आपने बताया, मैं करता था, अब मैं भूल गया हूं। तो जो मेरा एक जुड़ाव है उससे हो गया है, और मुझे लगता है मुझे वापस से इसलिए शुरू करना चाहिए। कोरोना टाइम है, इसमें जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि जो अननेसेसरी का स्ट्रेस है ना, दहशत ज्यादा फैली हुई है। कोरोना का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना लोग फियरफुल हो गए हैं, और उसके परिणाम उसके फिर गलत आ रहे हैं, तो उसको ये सब दूर करने में बहुत मदद देगा। सूर्य नमस्कार करना, 12 पोजेस, गूगल पे आजकल सब लोग देख सकते हैं, है ना, वही 6 पोजेस हैं, और 6 पोजेस इन रिवर्स डायरेक्शन, तो इसको जरूर करें, डेफिनेटली इट विल हेल्प। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, इस पर मैं चाहूंगा कि मैं खुद अमल करूँ, क्योंकि फिर ये गलत हो जाता है कि मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, पर जो आप मुझे उसके जो उत्तर दे रही हैं उस पर मैं खुद उसको अपने ऊपर लागू नहीं करता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी वापस से, क्योंकि अब हम सब होम बाउंड है, मजबूरन, कोरोनावश हम कह सकते हैं इसको, तो और आपने जैसे सही बताया कि गूगल है, यूट्यूब है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए हम ये सीख सकते हैं। बहुत सिद्ध लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो ये पॉजिटिव खबरें यूट्यूब के जरिए और इंटरनेट के जरिए हम तक प्रमोट करते हैं। एक से जुड़ा हुआ सवाल राधिका जी आपसे और करना चाहूँगा, जो अब यूथ की बात करते हैं, या यूथ क्या आजकल तो हर कोई, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग अपने टीवी से, स्मार्टफोन से बहुत जुड़े रहते हैं, और हो ये जाता है कि अगर मान लीजिए मैं अपने फ़ोन को स्क्रोलिंग करने पर आ जाऊँ और सोशल मीडिया साइट्स आजकल बहुत एक्टिव हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, न जाने क्या क्या आजकल है, तो उसको और या फिर OTT आप ले लीजिए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या इतने सारे सीरियल्स हैं। तो अगर हम एक जब मूवी देखना शुरू करते हैं या फिर उसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो हम जो समय की धार होती है उसमें खो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कब रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो उससे कैसे आप समझती हैं कि जो यूथ है, जैसा जो एक नवयुवक की मैं अपने आप को मानूंगा, वो कैसे अपने आप को हैंडल करे और कर्व कैसे करें इस टाइम को, क्योंकि आपने जो बताया एक नेचर के साथ हमें अपने आप को अट्यून रखना पड़ता है ताकि रात को हम सही वक्त सोए, सुबह जागे। तो ये जो सोशल मीडिया और जो स्मार्टफोन, तो हमारी लाइफ एंड करना चाहिए। जी जी, जी। बहुत सही सवाल किया। देखिए बिल गेट्स भी जो किंग है हमारे ये सभी गैजेट्स में, जितने भी सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो सब माइक्रोसॉफ्ट के जनरली करते हैं या कुछ एप्पल के हैं, तो वो भी अपने बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है वो 45 मिनट्स अलाउ करता है एक दिन में। तो हम लोग एक बार देखना शुरू करते हैं तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं रहती है, वी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो लिमिट तो करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि मुझे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को या यूथ्स को खुद से, अगर वो नहीं सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास में या डॉक्टर्स के पास में बैठे हैं एंड वी आर सीकिंग हेल्प कि मेरा ये शोल्डर फ्रोजन हो गया है, या ये मैं भी कंप्यूटर पे बहुत काम कर रही थी पिछले दिनों, मेरे को थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस का लगा प्रॉब्लम, तो मैंने सब लोगों ने कहा अरे चक्कर आएंगे, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और मेरे पूरे यहाँ पे मसल बैंड बन गया था। गलती मेरी ही थी कि मैं थोड़ा सा झुक के चलती थी, तो पोस्चर मम्मा हमेशा डांटा करती थी कि बेटा सीधे चलो सीधे, और हो जाना कि बात करते करते ऐसे झुक जाना। तो उससे धीरे से कि जब बड़ी होगी ना तब समझ में आएगा, और वो फिर मुझे समझ में आने लगा कि हाँ माँ ठीक कहती थी, आई शुड हैव फॉलोड हर। तो फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गई और मैंने कहा एक्सरसाइज तो मैं रोज करती हूँ, मैं ये राउंड वाली शोल्डर्स रोटेशन भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, तो फिर क्यों हो गया ये। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा आपको स्ट्रेट चलने की ही आदत रखनी है, और एक बहुत सिंपल से टिप बताई कि जब भी ज्यादा हम कंप्यूटर्स पे ज्यादा काम करते हैं और ये कंटिन्यूअसली मोबाइल पे रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो बेड की साइड जहाँ पे बोर्ड नहीं होता है, जो ओपन साइड है, गर्दन को थोड़ी देर आप नीचे लटका लें, नेक को पीछे बेंड कर दें। कुछ सेकंड्स के लिए तो लगता है ओ ये क्या हो गया, मुझे सब घूम रहा है क्या है, बट आई टेल यू आपको 1-2 दिन की प्रैक्टिस से इतना आराम मिलने लगेगा उससे कि जैसे ये पूरा पोर्शन रिलैक्स हो गया है, और इट रियली वर्क्ड फॉर मी। और पानी की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि जितना भी कहते हैं जी जो नेचुरल भगवान